अध्याय 11 श्लोक संख्या 26 और 27। अमी चत्वाम धृतराष्ट्रस्य पुत्रः सर्वे सहैवा वनिपाल संघै भीष्मो द्रोणासूत पुत्रस्तथासो साहस्मदीयैरपि योद्धमुख्यै वक्त्राणि ते त्वा रमणा विशन्ति दंष्ट्रा करालानि भयानकानि केचिद् विलग्ना दशनान्तुरेषु सन्दृश्यन्ते चूर्णितरोतमाङ्गै। अर्थ आमी ये च भी त्वामा आपको धृतराष्ट्र के पुत्र सर्वे सभी सह सहित एव निसंदेह अवनिपाला वीर राजाओं के संघै समूह भीष्मः भीष्मदेव द्रोणः द्रोणाचार्य सुतपुत्र कर्ण तथा भी असो यह सह सात अस्मदीयै हमारे अपि भी युद्धमुखै मुख्य योद्धा वक्त्राणि मुखों में ते आपके त्वरमान तेजी से विशन्ति प्रवेश कर रहे हैं दंष्ट्रा दात करालानि विकराल भयानकानि भयानक केचित् उनमें से कुछ विलग्नः लगे रहकर दशन अंतरेषु दांतों के बीच में संदृश्यन्ते दिख रहे हैं चूर्णितै चूर्ण हुए उत्तमा अंगे सिरों से। अनुवाद धृतराष्ट्र के सारे पुत्र अपने समस्त सहायक राजाओं सहित तथा भीष्म द्रोण कर्ण एवं हमारे प्रमुख योद्धा भी आपके विकराल मुख में प्रवेश कर रहे हैं। उनमें से कुछ के सिरों को तो मैं आपके दांतों के बीच चूर्णित हुआ देख रहा हूँ। हरे कृष्णा।